और अब हमारे जितने भी दर्शक हैं जरा ध्यान से देखें, फुल एंड फाइनल शुरू होने वाला है। पॉलिटिकल खबरों का फुल एंड फाइनल अगर कहा जाए, आज दिन भर जो कुछ भी सरगर्मी रही, और रोज की तरह आज भी एक एक्सक्लूसिव खबर से शुरुआत कर रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष में। टीवी 9 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले पंजाब के सीएम चन्नी, केजरीवाल को कानूनी नोटिस भेजेंगे पंजाब के सीएम चन्नी। बड़ी खबर, केजरीवाल चुनावों में भ्रष्टाचार का गलत आरोप लगाते हैं, ये बड़ी खबर। केजरीवाल आदतन झूठे हैं, घुटने टेकने की आदत है, चन्नी ने यह कहा। चुनाव में लोगों को डिस्टर्ब करते हैं और फिर माफी मांगते हैं, मुख्यमंत्री चन्नी ने यह कहा। गडकरी, मजीठिया, जेटली सबसे माफी मांग चुके हैं केजरीवाल, क्या कहा उन्होंने आइए देखते हैं। केजरीवाल को माफी मांगने की आदत है, पहले इलेक्शन के दौरान वो पूरे भ्रष्टाचार के किसी ना किसी पे आरोप लगाता है, बाद में घुटने टेक देता है, माफी दे दो मेरे से गलती हो गई, लेकिन इलेक्शन में डिस्टर्ब कर देता है बंदे को झूठ बोलकर, वैसे ही मेरे साथ कर रहा है। उसने गडकरी साहब से माफ़ी मांगी, आपको पता है मांगी, पहले उन पर इल्ज़ाम लाए बाद में माफ़ी मांग ली। उसने मजीठिया से माफ़ी मांगी, उसने हमारे जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी उनसे माफ़ी मांगी। यार कितनों से माफ़ी मांगेगा ये, इस बंदे को अणखा और अणखी कोई चीज़ ही नहीं है, कोई शर्म है ही नहीं है। कानून नोटिस भेजेंगे? मैं भेज रहा हूँ नोटिस, मैंने अपनी पार्टी से अनुमति मांगी है कि ये बंदा ये आदतन झूठा है, आदतन इल्जाम लगाने वाला है। ये बड़ी खबर। एक और बात बता दें आपको, पंजाब में फिर से सीएम बनने को लेकर कॉन्फिडेंट है चन्नी, ये एक और बड़ी खबर। टीवी 9 भारतवर्ष से सीएम चन्नी ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, पंजाब की जनता कहती है सारे मसले का हल कर देगा चन्नी। सीएम चन्नी ने कहा, अब आपने कैप्टन देखा, चन्नी के सिर्फ 111 दिन देखे, अब 5 साल देखो, ये भी कहा उन्होंने। सीधे प्ले ऑन करें क्या कहा। मैं 111 दिन काम किया है, मुझे 2020 मैच में आखिरी 2 ओवर बॉलिंग मिले हैं, 2 ओवर में ही अड़ा दिया सब कुछ। मैं कहता हूँ आपने बादल देख लिया, आपने कैप्टन देख लिया, अरे हमें तो 111 दिन ही देखा है, हमें देखो ना 5 साल पूरे देकर कैसे चीज़ बदलती है। अगर 111 दिन में जो मुझे कोई नहीं जानता था उस पंजाब में मैं मकबूल हो गया हूँ, सबसे आगे हूँ, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं या थोड़े आपके चैनल कह रहे हैं, अभी आप कह रहा था, तो 5 साल में क्या करूँगा, तो फिर 5 साल में स्थिति बदल जाएगी पंजाब की। सर बदल जाएगी, लेकिन यही तो मसला है कि आलाकमान घोषित नहीं कर रहा है अभी तक, तो उन्होंने कहा कि सामूहिक नेतृत्व रहेगा, उन्होंने कहा कि तीन चेहरे। अभी 111 की आपने बात की, 111 दिन पार्टी की ओर से रणदीप सुरजेवाला जो प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि 111 यानी कि एक चन्नी जी, एक सिद्धू साहब, एक सुनील जाखड़, तीनों मिला के 111। तो जनता क्या समझे कि आप 5 साल मांग रहे हैं, पता नहीं आलाकमान किसको बना दे फिर मुख्यमंत्री, आपके नाम पे 5 साल मिल जाए। तो अभी आपने बड़ी अच्छी पंजाबी हिंदी जैसी बोलनी शुरू की थी, गली गली चली गल, चन्नी करदा मसले हल, ये भी मसला हल हो जाएगा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता कोरोना, कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।